हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसपी ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट, अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्लास 9 का चैप्टर थर्ड का टॉपिक परमाणु क्या होता है उसके बारे में और परमाणु के प्रतीकों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज अपने कुछ देखते हैं और परमाणु के क्या प्रतीक हैं। तो देखिए, जो तत्व उनके क्या प्रतीक, तत्वों के एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को किससे लिखा जाता है, एल, क्या इसका प्रतीक है, एल। आर्गन, आर्गन का क्या प्रतीक है, ए आर। बेरियम का बी ए, बोरोन का बी, ब्रोमीन का बी आर। अब देखिए, इनको अगर अपने पहला ही लेटर इनका ले लेते बी बी, तो तीनों एक जैसे हो जाते हैं, अपने को पता नहीं चलता था कौन सा किसका नाम। इसलिए बेरियम के जो स्टार्टिंग वाले दो लेटर वो ले लिए बी और ए बेरियम, बोरोन का अकेला बी लिया और ब्रोमीन का स्टार्टिंग वाले दोनों ले लिए बीआर हो गया ब्रोमीन। कैल्शियम को अपने लिखते हैं सीए से, कार्बन को सी से, क्लोरीन को सीएल से, कोबाल्ट सीओ को। अब इसमें देखेंगे चारों के स्टार्टिंग वाला लेटर कौन सा है, सी है। अगर अपने एक सिंगल लेटर लेते तो कंफ्यूजन हो जाता चारों में, तो इसलिए कैल्शियम का अपने स्टार्टिंग वाले दो लेटर ले लिए सी ए, और पहले वाला लेटर वो कैपिटल लिखेंगे बाद वाला स्मॉल। कार्बन का अकेला सी लेंगे, क्लोरीन को सीएल से और कोबाल्ट को सीओ से अपने रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद आता है कॉपर, कॉपर को लिखते हैं अपने सीयू से, फ्लोरीन को एफ से, स्वर्ण गोल्ड, गोल्ड को लिखते हैं एयू से, हाइड्रोजन को एच से, आयोडीन को आई से, आयरन को एफ से, सीसा को पीबी से, मैग्नीशियम को एम जी से, नियॉन को एन से। तो इनके प्रतीक हैं, नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को ओ से, पोटेशियम को के से, सिलिकॉन को एस आई से, चांदी यानी सिल्वर उसको ए जी से डिनोट करते हैं, सोडियम एन ए, सल्फर एस, यूरेनियम यू, प्रतीक जेड। तो ये कुछ अपने क्या थे, एलिमेंट थे, तत्व थे और इनके कुछ प्रतीक अपने देखे। अब नेक्स्ट अपने देखते हैं परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक आता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो अपने सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कोई तत्व है उसमें उसके परमाणु क्या होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं ना, तो उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है उन संख्याओं का योग वो क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। सिंपल अपने लैंग्वेज में देखें तो यह अपने कार्बन 12, कार्बन 12 के समस्थानिक, कार्बन का यानी समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक वो होते हैं जिनका अपने प्रेडिक्टेबल आवर्त सारणी आप पढ़ोगे, आवर्त सारणी में इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, जिनका एक जैसा हो, यानी समस्थानिक यानी स्थान उनका क्या हो, समान हो, स्थान क्या हो, समान हो, और उनका जो द्रव्यमान है वो अलग अलग हो, वो क्या होते हैं परमाणु, उनको बोलते हैं अपने समस्थानिक। तो कार्बन 12 है, इसका जो द्रव्यमान है इसके द्रव्यमान से तुलना करके दूसरे सभी जो तत्वों का द्रव्यमान हमने परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। इसके एक परमाणु के द्रव्यमान के कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान से तुलना करके दूसरे सभी परमाणुओं का द्रव्यमान अपने तत्वों का निकाल सकते हैं। तो एक होता है कार्बन 12 समस्थानिक और एक होता है कार्बन 14। अब कार्बन 14 इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, कार्बन 14 होता क्या है, आपने देखा और जीवाश्म के बारे में आपने पढ़ा है, तो जीवाश्म अणु की आयु निकालने के लिए कि वो कितने प्राण हो सकता है, इसके रेडियो डेंटिक पद्धति उसका यूज करते हैं, कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है उसको आयु की निकालने के लिए जीवाश्म की। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान देखते हैं, डाल्टन के अनुसार अपने पीछे पढ़ा था ना डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, कि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है जिसको अपने बांट नहीं सकते। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना, तो परमाणु के डाल्टन सिद्धांत की संकल्पना क्या थी विशिष्ट, जो विशेष की परमाणु द्रव्यमान थी उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। तो क्या डाल्टन ने कहा था, कोई भी परमाणु हो उसका एक क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। अपने सिंपल लैंग्वेज में तो डेफिनेशन क्या होगी परमाणु द्रव्यमान की, परिभाषा परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व के परमाणुओं परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन व
न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? किसी परमाणु में जो प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, उनकी संख्याओं का जोड़ क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। तो अपने कोई एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन M ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन और कार्बन के द्वारा बनती है। प्रायोगिक तौर पे यानी कि एक्सपेरिमेंट करने पे, प्रायोगिक मतलब एक्सपेरिमेंट करके फिर क्या निष्कर्ष निकाला गया, निरीक्षित किया गया, निष्कर्ष निकाले गए कि अगर 3 ग्राम कार्बन अपने लिए कितना 3 ग्राम और 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई। तो एक्सपेरिमेंट किए गए, प्रयोग किए गए, उन प्रयोगों के आधार पे क्या जाना गया कि 3 ग्राम कार्बन है वो 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4 का साथ 3 यानी कितना कार्बन का कितना 3 ग्राम ना और ऑक्सीजन 4 ग्राम। तो कार्बन देखते हैं क्या हो जाएगा, 4 का साथ 3 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग कर रहा ना। तो यानी कि दूसरे शब्द में क्या कहें, दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना, तो 4/3 गुना से संयोग कर रहा ना, देखो 4/3 गुना से, तो अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। तो कार्बन इसका कहने का मतलब यानी कि कार्बन उनके साथ संयोग करती है जिसका क्या हो, जो उसके 4/3 द्रव्यमान से अधिक हो, उसके साथ संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। फिर अपने डेफिनेशन में दूसरे शब्द में देखें तो क्या हो, कार्बन 12 के समस्थानिक, समस्थानिक आपको बता दिया क्या होता है, जिनका परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी के अंदर एक जैसा ही स्थान, सम मतलब समान, एक जैसा स्थानिक मतलब स्थान, तो एक जैसा स्थान है उनको बोलते हैं कार्बन समस्थानिक। तो कार्बन 12 समस्थानिक की एक परमाणु द्रव्यमान की 1/12 भाग को, यानी कार्बन 12 का समस्थानिक उसकी एक परमाणु की 1/12 भाग, उसके द्रव्यमान का कितना 1/12 भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान के इकाई के रूप में लेते हैं। तो इसको इकाई के रूप में लेते हैं, सभी तत्वों के परमाणुओं का सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के साथ तुलना करके ज्ञात कर सकते हैं। यानी कार्बन 12 है, कार्बन 12 की एक परमाणु के द्रव्यमान की अपने दूसरे परमाणुओं के साथ तुलना करके उनका अपने द्रव्यमान है वो निकाल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। अपने देखते हैं कि परमाणु द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, इसका देखिए इसके बाद अपने देखते हैं परमाणु द्रव्यमान की इकाई, जैसे अपने कोई जैसे लंबाई को अपने नापते हैं, जिससे नापते हैं सेंटीमीटर से, मीटर से, किलोमीटर से, है ना, बार को अपने किलोग्राम में या ग्राम में नापते हैं। तो इस तरह से जो परमाणु द्रव्यमान है इसको अपने किससे मेजर करते हैं, इसकी इकाई क्या है? तो प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को इसको बोलते हैं म्यू, क्या कहा जाता है म्यू। तो म्यू द्वारा संक्षेप में लिखते थे, यानी संक्षेप में मतलब पूरे अपने म्यू के द्वारा इसको लिखा जाता था। लेकिन IUPAC, IUPAC का फुल फॉर्म क्या है पता होगा आपको ना, इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC की फुल फॉर्म है, इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC के इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जो आपने पढ़ा था पहले प्रतीकों का भी यही फाइनलाइज कर दिया ना, किसी तत्व का प्रतीक क्या होगा। तो ये IUPAC के जो नवीनतम अनुमोदन के अनुसार के इसको किसके द्वारा सीधा ऐसे म्यू के द्वारा लिखने लगे, ये म्यू है, इसको शॉर्ट में लिख दिया ये म्यू, इसके द्वारा आप लिखा जाता है परमाणु द्रव्यमान को इकाई म्यू, यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इकाई आ गया तो उसके द्वारा आपने पूछ लेगी परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, क्या होती है म्यू। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान नीचे दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, एक हो
होता है ये आपको याद रखने पड़ेंगे। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 14, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, सोडियम का द्रव्यमान 23, मैग्नीशियम का द्रव्यमान 24, सल्फर का द्रव्यमान 32, क्लोरीन का द्रव्यमान 36.5 और कैल्शियम का 40। तो आगे से ये कुछ अपने एग्जांपल लिए थे कि द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान किन तत्वों का कितना होता है। तो समझ में आ गया परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, सॉरी आज हमने पढ़ा परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है उसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। या कार्बन 12 के किसी एक परमाणु के औसत द्रव्यमान की 1/12 भाग से किसी परमाणु की तुलना करेंगे तो उसका अपने द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो ये तो अपने परमाणु द्रव्यमान होता क्या है। अब उसके बाद अपने देखा परमाणु द्रव्यमान की इकाई। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, म्यू, म्यू से लिखते हैं। और फिर अपने कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान देखे, तो इनको आप नोट कर लीजिए। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपने फिर इसका जो आगे वाला टॉपिक है उसको शुरू करेंगे अपने। तो चलो एक थोड़ा सा आगे वाला देख लेते हैं अपने टॉपिक, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, कि परमाणु किस तरह से अस्तित्व में रहते हैं, तो उसको देखते हैं अपने। छोटा सा टॉपिक, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो तत्वों के परमाणु ना वो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, वो कैसे किसी के साथ कंबाइन फॉर्म में रहते हैं, स्वतंत्र यानी फ्री वो नहीं रह सकते। तो अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, कुछ कैसे होते हैं तत्व जिनके परमाणु स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं, ज्यादातर परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते। और ये क्या करते हैं, परमाणु अणु में आयन बनाते हैं, परमाणु क्या बनाते हैं, अणु या आयन बनाते हैं। परमाणु मिलके क्या बनाएंगे, तत्व बनाए, तत्व से फिर क्या बनते हैं, अणु बन गए, मॉलिक्यूल जिसको बोल देते हैं। और यह आयन बनाते हैं, जैसे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो धनायन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऋणायन बनाएगा। और अणु अथवा आयन क्या करते हैं, अत्यधिक संख्या में पूंजित होकर यानी कक्षा पर क्या करते हैं, द्रव्य बनाते हैं। द्रव्य मतलब लिक्विड, जिसको अपने विचार कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे अणु क्या होता है और यौगिक क्या होते हैं, तो इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।